जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। जय जय श्री राधे कृष्णा। आइए चर्चा करते हैं हम लोग आज 30 दिसंबर 2023 12 राशियों के विषय में। तो सबसे पहले राशि मेष वालों को कोई शुभ संकेत, शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। दूसरी राशि है वृख राशि वाले व्यक्ति, आज आप अन्यत्र इधर उधर कहीं घूमने का मन बना सकते हो अथवा कहीं घूमने भी जा सकते हो। तीसरी राशि है मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आप धर्म के प्रति विशेष रुझान इत्यादि आपका रहेगा। चौथी राशि है कर्क राशि वाले व्यक्ति, आज आपको मन में किसी प्रकार की परेशानी, बेचैनी किसी बात को लेकर बढ़ सकती है। भगवान शिव की पूजा करें, मोती रत्न धारण करें। पांचवी राशि है सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ दे, एक छला तांबे का पहने अथवा माणिक नामक रत्न, स्वर्ण की धातु अथवा तांबे की धातु में धारण करें। छठवीं राशि है कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आप वाहन इत्यादि से लाभ के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं एवं व्यापार मध्यम रहेगा। सातवीं राशि तुला राशि वाले व्यक्ति, आज आप धर्म के प्रति रुझान होगा, घूमने का मन आ सकता है और कहीं आप विशेष कार्य से बाहर भी जा सकते हो, विद्या अध्ययन में आपकी रुचि भी रहेगी। आठवीं राशि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, सरकारी राजकाज क्षेत्र से सफलताएं हाथ लग सकती हैं, कोई अटका हुआ काम सिद्ध और संपन्न हो सकता है। नवम राशि धनु राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त हो सकती है अथवा कोई जमीनी वाद विवाद आपका चला आ रहा है वह सुलझ सकता है। आप भगवान श्री नारायण गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। दसम राशि है मकर राशि वाले व्यक्ति, आपको आज दुकान इत्यादि से व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। भगवान श्री कर्म फलदाता शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। ओम प्राम प्रीम प्रूम सम शनिश्चराय नमस् बीज मंत्र का जप करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपको भी आज के दिन कोई भी आप मोटर वाहन लोहे से संबंधित का कोई व्यापार करते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम है। आपकी गाड़ियां चलती हैं अथवा जमीन प्लॉटिंग का काम आप आज के दिन कर सकते हो, ब्याना वगैरह दे ले सकते हो। बारहवीं राशि है मीन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कोई मांगलिक शुभ सूचना आपके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होगी जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फलकारक करने वाली होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।